मैं और ओम हम तीनों ना लक्ष्मण मंदिर आए थे, और लक्ष्मण मंदिर में क्या एंट्री लेने के लिए पता है यहाँ चार्जेस देने पड़ते हैं, 3 टिकट लेने पड़ते हैं, मतलब 3 लोग हैं तो हम 3 टिकट लेने पड़ते हैं। तो ना यहाँ सिस्टम बड़ा अजीब सा है, लाइक यहाँ ऑफलाइन टिकट बुक नहीं होते, यहाँ ओनली ऑनलाइन टिकट बुक होते हैं, यहाँ ओनली ऑनलाइन टिकट बुक होते हैं। और पता है हमने जितने भी 15-16 जो टेम्पल बताए थे ना, कि मतलब 15-16 टेम्पल हमने टूरिज्म स्पॉट्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे हुए हैं जो हमें घूमने हैं, उसमें से 6 या 7 टेम्पल इसी लक्ष्मण मंदिर के अंदर आसपास ही, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। एंट्री फीस भी है यहाँ पे, मोरी ऑनलाइन बुक ही कर रहा है। यहाँ भीड़ तो इतनी ज़्यादा मात्रा में है ना कि मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ भीड़ है, मतलब पूछो नहीं। टिकट सब किसी को आधों को बनता है, आधों को नहीं बनता। गूगल से बुक करना, कुछ कर रहे हैं ट्राई, कुछ से नहीं बन रहा है तो कुछ दूसरों से मदद ले रहे हैं। हो गया वो कितने रुपये लगे टोटल? 105। 3 लोगों के, 3 लोगों के टोटल 105 रुपये पड़े हैं हमें। एंट्री कहाँ से? एंट्री यहीं से है क्या? अच्छा एंट्री उस साइड से। अरे यार मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगी, पता है यहाँ पे ना ये टूरिस्ट पुलिस स्टेशन यही यहाँ पे बना हुआ है, ये टूरिस्ट पब्लिक सब स्टेशन, ठीक है, और यहीं पे एजेंट भी लगे हुए हैं टिकट बुक करने के लिए। हाँ लगा अच्छा, ठीक है। यार मुझे ना बड़ी तेज हंसी आ रही है, पता है मतलब ना ये क्या हुआ, इतिहास लिखा हुआ है क्या? वहाँ पे चेकिंग हो रही है, वहाँ पे गार्ड सिक्योरिटी मैडम सर ये सब खड़े हुए हैं। और ना उनसे मैंने पूछा था कि मतलब यहाँ कितने मंदिर हैं, हम लक्ष्मण मंदिर घूमने आए हैं यहाँ पे, तो बोलते हैं कि यहाँ 14 मंदिर है, ये मेन साइड है, यहाँ एंट्री फीस भी देनी पड़ती है। हम 3 लोगों ने 105 रुपये दिए एंट्री फीस, वो भी ऑनलाइन टिकट बुक हुए हैं, और 105 रुपये दिए हमने। मंदिर मेरी आंखों के सामने ही है, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। ये मौर्य इतिहास पढ़ रहे हैं, मौर्य मैं नहीं, 25 टेम्पल से बस अभी 25 ही बचे हैं। कितने? 85 मंदिर थे यहाँ पे, 85 85, अब कितने बचे? 25। और वो बाहर चाचा बोल रहे हैं 14, और भी जगह होंगे ना यहाँ बस। अच्छा पूरे खजुराहो की बात कर रहा है तो? अच्छा ये जो इतिहास लिखा हुआ है तू पढ़ ले, मुझे मेन सारांश बता देना मेन में, ठीक है, मैं यही घूम रहा हूँ। तो ना टोटल में खजुराहो में 85 मंदिर है टोटल पूरे खजुराहो में, जिसमें से ना 25 ही मंदिर बच पाए हैं बस, और ऐसा मौर्य ने बताया। मौर्य इतिहास पढ़ रहा है ना, तो मौर्य ने बताया। मंदिर तो बड़े प्यारे प्यारे हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, वो जो मेरी आंखों के सामने होते हैं 6-7 है, और इनके पीछे भी 6-7, 5-6, 2-3 सब तरफ होंगे। छोटू इस्माइल छोटू बड़ा सीरियस होना, चश्मा पहन के बड़ा सीरियसली फेस बना के फोटो खिंचवा रहा था, मैं थोड़ी सी स्माइल देते छोटू यार प्लीज यार, छोटू इस बार स्माइल होनी चाहिए, ठीक है ना? हाय अरे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मोर हम पीछे रह गए यार। वो दोनों आ जाए तो बाद में हम बाय वन सब मंदिरों में घूमना शुरू होते हैं। कोई भी अच्छे मोमेंट मुझे मिलते हैं, कोई भी अच्छे मोमेंट जो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए मुझे क्लिप में, तो मैं जरूर करूँगा। शायद तक पता है मौर्य तूने जो वहाँ पे पढ़ा है ना, वो जितना भी मतलब वो बता दे उसमें सारांश क्या था, मेन चीज बता दे मुझे। बस यही बताया गया है कि मंदिर तो 85 थे जिसमें से 85 थे, उसमें 25 ही बचे हैं। पूरे खजुराहो की बात कर रहे हैं? हाँ, पूरे ओके 25 मंदिर बचे हैं। यहाँ पे जो मेन मंदिर ने उनके नाम दिए गए थे, क्या क्या मेन मंदिर है, कितने मंदिर है यहाँ पे? 14-15। हाँ 14 कुछ मंदिर नाम दिए थे, नंबर नहीं है, नाम दिए लास्ट में नाम दिए कुछ सारे, जो मेन मंदिर है। तो घूमने कहाँ से शुरू होना? जब पूछ के आया गया, पूछ के नहीं आया, बस यहाँ से स्टार्टअप करते हैं, और यहाँ से स्टार्ट हो गए। यूं बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है यार ये तो। चलो पहले सबसे पहले यहाँ कूच करते हैं।
मोर हम तीनों मतलब हम सब सोच रहे थे कि यार ये खजुराहो में हमें 2 दिन चले जाएंगे और 2 दिन में हमें दिन भर मतलब दिन भर लगेगा, पर ऐसा नहीं है। 2 दिन तो जाएंगे पर दिन भर नहीं लगेगा, क्योंकि ये एडवेंचर स्पोर्ट अभी 3 घंटे या 2 घंटे में हो जाएगा ना। ये 14 मंदिर 2 घंटे में हो जाएंगे। एक मंदिर हम घूम ही चुके हैं, दुलादेव वाला मंदिर, और डैम वैम जाना है हमें, तो 14 मंदिर ये हो जाएंगे। 1 मंदिर 15 हम घूम चुके हैं और डैम भी चले जाएंगे। टोटल 16 एडवेंचर स्पॉट तो यहीं कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। आज में 16 एडवेंचर स्पॉट फिनिश हो जाएंगे, बचे 2-3-4 एडवेंचर स्पॉट वो हम कल देख लेंगे कल। हाँ, मैंने मोर ने ओम ने हम तीनों अपने जूते चप्पल उतार दिए हैं। सामने हमारे 3-4 मंदिर हैं और हमें स्टार्ट यहाँ से होना है घूमने के लिए। सबसे पहले मोर ओम यहाँ चलता है, ये लक्ष्मी मंदिर है वो लिखा हुआ है। ये बहुत पुराने मंदिर है मोर, क्योंकि इनके पत्थरों की डिजाइन देख ले तो चाहे ये मंदिर देख ले। और ज्यादातर मंदिर वो उससे बने हैं, बलुआ पत्थर से बने, सारे बलुआ पत्थर से। ज्यादातर पूरे नहीं, कुछ एक दो मंदिर है जो बलुआ पत्थर। अच्छा, तुमने वहाँ पढ़ा था, ये वहाँ लिखा हुआ था क्या? मंदिर बलुआ पत्थर से। तो क्या उस जमाने में बस राजा महाराजा को बलुआ पत्थर के बारे में पता चला था ना, बस जो मजबूत होता है या उससे अच्छे से मतलब जल्दी उसे ज्यादा मात्रा में होगा और शेप जल्दी अच्छा बन जाता होगा, ज्यादा मेहनत नहीं जाती होगी। मोर हाथी वहां भी जाएंगे, पहले यहाँ ये देख लेते हैं मंदिर। सबसे पहले मैं ना परिसर ही घूमूंगा, पता है इस मंदिर का चारों तरफ का जो परिसर वो देखना है मुझे। ओ, क्या डिजाइन मोर, ये क्या डिजाइन बनी है यार। पता नहीं क्या कर रहा है ये, पर बहुत प्यारी बनी हुई डिजाइन यार। इस साइड भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। मोर दमट लेना यार, मुझे अपनी बाई ऊपर लेना है यार, बाई उठानी है मुझे। क्या बाई? बाई बाई बाहें, आस्तीन, आस्तीन के सांप। जब जब भी तू बोलेगा ना ये लाइन, मैं कैमरा तेरी तरफ घुमा दूंगा। इन पत्थरों पे चलने का मजा अलग है, पता है इन पत्थरों में चलते हैं ना तो बड़ा मजा आता है, ऐसा पैरों में खुरदुरा खुरदुरा फील होता है। इन मंदिरों का बहुत भयंकर रहस्य, मतलब बहुत भयंकर इतिहास रहा होगा। इनमें मंदिरों में बहुत सारे रहस्य भी होंगे। इसमें छेद बना हुआ है क्या इसमें? अंदर लाइट चली जाएगी क्या? हाँ, ये है लक्ष्मी माता और अब ये साफ तरीके से दिख रहा है। हाँ, तुम देख पाए? देख पाए तुम लक्ष्मी माता तस्वीर देख पाए? फोटो से देखी क्या? नहीं, मैंने मोबाइल से लाइट जला के देखी, ऐसे दिखी नहीं रखी। अब वहाँ चलते मोरे हम वहाँ पे। कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारे। वराह मंदिर, वराह टेम्पल, वराह मंदिर का इतिहास यहाँ लिखा हुआ है। यह मंदिर एक साधारण तथा भव्य ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। ऊंचे चबूतरे पर मतलब ये चबूतरा मंदिर विन्यास में आयताकार है, जिसकी छत पिरामिड नुमा तथा 14 साधारण स्तंभों पर टिकी है। छत के अंदरूनी भाग पर मनमोहक कमल की उभरी हुई आकृति बनी हुई है, ऊपरी अंदरूनी भाग। ओके, मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की 1000 साल प्रतिमा, विष्णु भगवान का मंदिर है। बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 900 ईस्वी से 925 के बीच हुआ था। 1200 साल पुराना मंदिर है। कौन है यार? कौन सा जानवर है? क्या बोल रहे है? सीरियसली कैसे पता लगाया तूने? अच्छा, दांतों से और मुंह से? सॉरी सॉरी यार, सॉरी।
हाँ यहाँ से तो समझ में आता है ना ये, और दांत भी है ना हमें ना। कौन से एडवेंचर में थे अपन? अमोदा। हाँ अमोदा के किले में हम जब गए थे ना तो वहाँ हमें ना जंगली सुअर का कंकाल मिला था। जंगली सुअर का मुंह था वो, मुंह जंगली सुअर का मुंह है। जंगली सुअर की जो मूर्ति है ना, जो विष्णु भगवान का अवतार, विष्णु भगवान का अवतार है यही। अच्छा विष्णु भगवान ने रूप में अवतार लिए थे। अच्छा तो इस मूर्ति पे ना, मतलब विष्णु भगवान के अवतार की जो मूर्ति है जंगली सुअर की, इस मूर्ति पे ना इतनी सारी कलाकृतियां, इतनी सारी डिजाइन बनी हुई है ना, जो मतलब अद्भुत है यार। देखने में इतना मजा आ रहा है ना कि मतलब इतना, उस जमाने में जिसने बनाया होगा उसका हाथ कितना साफ होगा, मतलब अपने आप में वो मतलब एक मजेदार। उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जिसके लिए अवतार लिया था। नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। बकासुर? नहीं नहीं, बकासुर कोई अच्छा राक्षस नाम याद नहीं आ रहा है उसका। उसने क्या करा था? धरती माता को कैद कर लिया समुद्र के अंदर। क्या बात कर रहा है। हाँ। इसीलिए मेरी सास बोल रही थी रात में सोया था। पानी में मुझे बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। पैर भी बने हुए यहाँ पे। ये नीचे क्या है? ये क्या है? ऐसा लग रहा है सांप है, पता है यहाँ से डैमेज है जैसे। देखा ना लंबी सी पूछ है। बड़ा जो मंदिर है, जो विष्णु भगवान का अवतार है वो कंप्लीट हो गया है। ये दूसरा मंदिर था, पहला लक्ष्मी मंदिर, दूसरा वराह मंदिर, दोनों कंप्लीट। हाय भैया। हाय हाय भैया, बड़ी प्यारी से स्माइल दे रहे थे ऊपर से। तो ना वराह मंदिर कंप्लीट, एंड अब जाया जाए कौन सा मंदिर है वहाँ लिखा होगा, वो नाम में पढूं उससे पहले सामने से थोड़ा सा देख लिया जाए। ये बड़ा है यार बहुत ज्यादा, इसमें सीढ़ियाँ सबसे ज्यादा है अभी तक के जो मंदिर है ना अपने जितने भी देखे हैं उसमें सबसे ज्यादा सीढ़ियाँ वाला मंदिर है ये। यहाँ पे खजुराहो के 14 मंदिरों में सबसे ज्यादा सीढ़ियों वाला मंदिर है ये। हमारा 3रा मंदिर है और 3 मंदिर में सबसे ज्यादा सीढ़ियाँ इसी पे थी। अच्छा लक्ष्मण मंदिर है। इसी मंदिर को ढूंढते हुए हम यहाँ आए थे, और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि यहीं पे मतलब 14 मंदिर है टोटल। कोई भी अच्छा मोमेंट आता है तो मैं क्लिप कैप्चर करता हूँ। मोरियम तो चले गए क्या ऊपर? वो दोनों चले गए मुझे पता ही नहीं चला ऊपर। हाँ ये मंदिर खजुराहो के मंदिरों में हमारा सबसे ज्यादा सीढ़ी वाला मंदिर है, जिसमें सबसे ज्यादा सीढ़ियाँ थी। लक्ष्मण मंदिर प्लेज कर पाया, जो तो चप्पल नहीं उतारे पहले उतार दिए यार। ओह लक्ष्मण मंदिर, अच्छा लगा अपने से मिल के। कहाँ से हो वैसे? टीकमगढ़ से। घूमने आए हो? क्या क्या घूमने आए हो, मतलब खजुराहो के अलावा कुछ और भी? बस खजुराहो के सारे मंदिर निपटा दिए सारे, या तीसरा तुच्छ होता? ये पहले मंदिर में एंट्री हुए हो? अच्छा ये मूर्ति भी खंडित है, यहाँ से मुंह नहीं है। ये मूर्ति सही है, थोड़ी बहुत डैमेज है और बाकी सब सही है। खजुराहो के जो मंदिर है ना, इनका इतिहास तो मुझे सही तरह से भी पता नहीं चला है, बस इतना पता है कि मतलब है ना ये सारे मंदिर एक साथ ही बने, ये अलग अलग बने हैं, मतलब होता है ना बाय वन बाय वन। यहाँ से मैं मूर्ति लेना, मुझे फोटो ले।
अंदर जाना अलाउ है, चले जाओ, जाना अलाउ है, तुम भी आ जाओ। आप लेने मत, कोई ना कर दे, एक आदमी चले आ, चले आ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो खड़े हैं सब। क्या बात है, तो बहुत ज्यादा प्यारी सी मूर्ति है यार, मतलब प्रतिमाएं प्रतिमाएं छोटी छोटी सी बनी हुई है पूरे पे, बहुत पुरानी मूर्ति है बहुत ज्यादा, और डिजाइन है ये गुम्बद वाली, हाय बोलना बॉस, हाय ब्रो, एक दिल से बात बताऊं, यदि ये पर्सन यहाँ नहीं होता तो मैं अंदर जा नहीं पाता, दिल से थैंक यू यार इतना सपोर्ट करने के लिए। कहाँ से आए हो बॉस? टीकमगढ़। टीकमगढ़ सब टीकमगढ़ से आए हो क्या? ब्लॉग बना रहे हो? पूरे पेंटिंग चल रही है, तुम चैनल तो बता दो। सिद्धांत इस्माइल, सिद्धांत इस्माइल, पूरा मंदिर है ना अपने आप में ना बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, डिजाइन विजाइन सब एक प्रो लेवल वाली है यार, मतलब क्या डिजाइन बनाई थी, ये बैठने के लिए बनाया था क्या ये? इसमें क्या है, बैठना है क्या, पता नहीं क्या है ये मूर्तियां, तो मतलब इतनी बनी हुई है ना, इतनी बनी हुई है ना, मतलब पूरा मंदिर है ना, बाहर से जो दीवारें थी ना उन दीवारों पे तो मूर्तियां बनी हुई है, कलाकृतियां भी है, सब नक्काशी भी है, पर अंदर जो मंदिर है ना जहाँ पे जो एक प्रतिमा है वहां पे भी बाहर है ना सब तरफ ना दीवारों पे मूर्तियां बनी हुई है, और मूर्तियां भी इतनी मतलब इतनी क्लियरिटी से बनाई है ना, जिसने बनाई है मतलब जैसे होता है ना एक प्रो लेवल में पबजी की भाषा यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ यार, मतलब एक बहुत अच्छा तरीके से बनाया है। ये सीढ़ियाँ क्यों बनाई थी यार, उस जमाने की सीढ़ियाँ ही, आज जमाने में लकड़ी वाली बनती है ऐसी, चढ़ के देखूं, हाँ अच्छी सीढ़ियाँ यार भैया, वन फोटो क्या हुआ? एक पिक आपके साथ। अच्छा मेरे साथ? हाँ। अच्छा ले लो, आओ कैमरा। यहाँ पे ना इन मंदिरों को ना उसी तरीके से मतलब यहाँ पे ना मंदिरों को ना उसी तरीके से रखा गया जिस तरीके से ये है, इनमें कुछ भी बदलाव कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किए, जो खंडित है वो खंडित है ठीक है, जो मूर्ति है पूरी वो मूर्ति है ठीक है, कोई लाइट्स नहीं है यहाँ पे, जो उस जमाने में नेचुरल तरीका था ना कि मतलब जैसे बाहर से उजाला आ रहा है उसी उजाले में आप मंदिर को देखो, वैसे ही सब कुछ यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं बदला। तीसरा मंदिर था मेरा ये खजुराहो की 14 मंदिर के एरिया में, बड़ा अच्छा था, कोई भी अच्छा मोमेंट आता है तो मैं कैप्चर जरूर करूंगा। मौर्य मौर्य सुनना मौर्य, मुझे नहीं लगता कि यार मतलब है ना ये मंदिर जो है ना जितने मंदिर हैं 14 मंदिर बने हुए हैं ये किसी जमाने में एक ही साथ बने होंगे, नहीं ये एक बहुत अच्छा मैदान रहा होगा उस जमाने में या बहुत अच्छा जंगल रहा होगा, तो बाय वन बनाए होंगे, पता जब जिस राजा का मन हो गया तो उसने बना दिया है ना, अलग अलग नहीं बने मतलब सॉरी एक साथ नहीं बने होंगे, ये एक साथ ऐसे मतलब 14 मंदिर बना दिए, क्योंकि एक साथ बनने वाले मंदिर नहीं है यार, ये बहुत समय लेने वाले मंदिर हैं, ये मतलब इन मंदिरों को बनाने में पसीने छूट गए होंगे यार, आज वाले समय में ये मंदिर बनेंगे ना कम से कम मान लो 15-15, 20-20 साल ले लेंगे बनने में, 10-10 साल। वाओ, पर ये मूर्ति डैमेज है यार, खंडित है यार, यहाँ से डैमेज है मूर्ति, इस मंदिर में यहाँ पे एक पाइप जैसा ही पता नहीं कुछ बना हुआ है जो मतलब जाता जा रहा है, वो पाइप नहीं है वैसे तो, बीम ही है, एक दीवार वाली बीम है जो मतलब सपोर्ट कर रही है पूरे मंदिर को, पूरे मंदिर में मतलब बाहर जितनी भी नक्काशी है ना जितनी भी कलाकृति है ना सब मूर्तियां ही मूर्तियां मूर्तियां मूर्तियां,
ये हाथी है, हाथी 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 लक्ष्मण मंदिर के परिसर में हूँ मैं अभी, लक्ष्मण मंदिर के परिसर में घूम रहा हूँ मैं। बेहतरीन है यार, मतलब अमेजिंग यार, ऑसम। हाँ सीरियसली अच्छा है। और ये परिसर इतना फैला हुआ है ना पूरा, मतलब यदि 14 मंदिर का यदि परिसर में बोलूँ ना, तो वो मंदिर वो छोटा सा नजर आ रहा है वो, और अभी यहाँ से ये पेड़ पौधे बीच में, वरना मैं बताता कि मतलब उस साइड कितना दूरी पे मंदिर है। इतना बड़ा परिसर है, इतना बड़ा मैदान है कि मतलब कोई, मैं यदि इमेजिनेशन में मेजरमेंट भी करूँ ना इस मंदिर का तो नहीं कर पाऊंगा। मतलब 14 मंदिर कितने एरिया में फैले हुए मैं समझा नहीं पाऊंगा कितना मेजरमेंट है। इमेजिनेशन यहाँ मेरा शायद फेल भी हो सकता है, वैसे तो मेरा इमेजिनेशन अच्छा है। कोई भी अच्छा मोमेंट आता है तो मैं जरूर कैप्चर करूंगा।